जय श्री राम भाई लोग। तो कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, चैनल पे मेंबरशिप ऑन हो चुकी है, तो आपको लेना है तो आप ले लीजिए। तो गाइस, फर्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है। नियो ने ऋषि सर के इंस्टा स्टोरी का रिप्लाई किया था, तो क्या बोला था आप लोग देखिए। स्टोरी डालेगा इधर। सोल गॉडल चलती रहती है, पैंटर चलता रहता है, बीच में तीसरा एक अपने आप आता रहता है। बोले, अरे मैं भी तो हूँ, इतने टाइम से मैं भी तो हूँ, इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, मेरा मेरा तो नाम लो। अब वो तीसरा कौन है मुझे भी पता नहीं, मेरा भी तो नाम लो। तुम साले, तुम दोनों कंट्रोवर्सी करके आपस में नंबर शेयर करते हो, तू इसको देता है, तू उसको देता है, तुम अपने सीसीज को देते हो, हम क्या करें? हाँ, हम तो बैठे ऐसे ही फालतू में पैसा इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। तो गाइस, सेकंड न्यूज़ निकल कर आ रही है। स्लग ने 1v2 किया था टीम डेस्ट्रो को, और आर्कलिन भाई ने 1v3 किया था मेडल स्पोर्ट्स को। तो वाली क्लिप भी देखिए। ये जो कुछ सेकंड्स के लम्हे थे, ये यादगार रहेंगे न्यूमन के लिए भी और सेल्सियस के लिए भी, क्योंकि थाली में परोस के वो पॉइंट्स मिले, उन्हें 6 पॉइंट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। एंड आई होप कि भाई और भी ज्यादा इंप्रूव करते जाए, बट इंप्रूवमेंट की जरूरत टेस्ट्रो को थी अपने छुपने के तरीके की, क्योंकि वो ज्यादा छुप नहीं पाए और उनको शट डाउन कर दिया जाएगा। टेस्ट्रो एक अलग जगह पर नॉक्ड है, जस्टिन ऑलरेडी नॉक होकर रखे हैं, डेल्टा की एचपी काफी ज्यादा कम है, और सब कुछ शोगन के कंधों पर गिरेगा। और जैसे ही शोगन को गिराया जाएगा, ये कंधे अब तो नहीं उठ पाएंगे, और कहीं ना कहीं टीम टेस्ट्रो इस गेम से दोबारा बाहर होती हुई नजर आएगी। टीम साइक ने देखा और टीम साइक ने यहाँ पर समाप्त किया ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। वो अभी भी चीर प्रतिद्वंदी आपको दिखेंगे, जो यहाँ से इस बैटल को लगातार आगे लेके जा रहे हैं। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी अर्कलिन मौजूद है, अर्कलिन के ऊपर कुछ गोलियां दागी गई। डार्क लॉर्ड की एचपी फुल है, डार्क लॉर्ड वो बूस्टर है, अर्कलिन के कंधों पे भार बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि उन्हें यहाँ से अपनी टीम के लिए सर्वाइवल चाहिए, वो आखिरी फिनिश चाहिए। अर्कलिन डिलीवर करते हुए उस फिनिश को।